आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये ट्वेल्थ बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और इस सेशन का ये फर्स्ट वीडियो है, यानी ये जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2019-2020 का जो सेशन है 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए, उसका ये पहला वीडियो है। तो 12th स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, जल्दी ही 11th स्टूडियो को भी पैरेलल 11th जो आपके वीडियोस हैं उसको भी पैरेलल हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के और दूसरे जो स्टेट बोर्ड में हैं, सभी स्टूडेंट्स 12th प्लस 11th हम पैरेलल साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी 12th से स्टार्ट करते हैं पहले। तो पिछले बार मैंने जो वीडियो छोड़ा था या लास्ट वीडियो जो हमारा था वो इवोल्यूशन चैप्टर पे था। इवोल्यूशन है 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज पिछले वीडियोस देख लें, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आ पाएगी, ठीक है। एटलीस्ट पूरे वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग वीडियोज हैं, 3 वीडियो जो मैंने अपलोड किया वो तो आपको देखने पड़ेंगे, तभी सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर पे यानी कि 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 जो कि इवोल्यूशन है, उस पर मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए, ये चौथा वीडियो है। और पिछले वीडियो तक हमने जो अलग अलग इवोल्यूशन मतलब कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन सी जो बिग बैंग थ्योरी क्या है या कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिसके वजह से इवोल्यूशन हुआ या अर्थ इवॉल्व हुई, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करूं दोस्तों तो दो चीजें आती है, एक तो होमोलोगस ऑर्गन, एक एनालोगस ऑर्गन। बहुत बार क्वेश्चन बनता है इस पे, लेकिन इस पे ज्यादातर डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। डेफिनेशन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो बनता है इसके एग्जाम्पल्स पे, कई बार नीट में भी आता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे समझ लो, कोई भी ऐसी ट्रिक आप डेवलप कर लें कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि होमोलोगस क्या है और एनालोगस क्या है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से अपना बेस्ट जो भी मुझे ट्रिक्स पता है या जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने ट्रिक्स भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए होमोलोगस ऑर्गन, होमो मतलब क्या होता है दोस्तों, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम। तो यहां पे एस फॉर सेम और एस फॉर स्ट्रक्चर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि होमो मतलब सेम, सेम क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है, द ऑर्गन हूज स्ट्रक्चर और ओरिजिन इज सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम हो या उनका ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, इससे क्या मतलब है, जैसे हमारा हाथ और बैट का हाथ स्ट्रक्चर कुछ कुछ सेम सा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम हो या फिर ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन सेम का क्या मतलब हुआ, ओरिजिन सेम का मतलब है कि एक ही तरीके के टिश्यूज से ये एमर्ज हुए थे या बने थे, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। स्ट्रक्चर सेम तो आप समझ पाए, ओरिजिन सेम मतलब एक ही टाइप के टिश्यू से ये, जैसे सपोज कीजिए कोई एपिडर्मिस से बना है, ठीक है, तो या कोई मेसोडर्मल ओरिजिन है किसी का, तो उसका भी मेसोडर्मल ही ओरिजिन है दूसरे ऑर्गन का भी, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चरली या जिनका जो ओरिजिन है वो सेम रहा हो वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्लियर ये बात। अब एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या है, वर्टिब्रेट, हर्ट और ब्रेन। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाए, हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो ब्रेन है, वो अगर आप जैसे हम ह्यूमन है आप डॉग में ले लें तो उसमें भी हार्ट और ब्रेन जो होगा वो होमोलोगस ऑर्गन हुए हमारे और डॉग के। क्यों, क्योंकि दोनों के हार्ट और ब्रेन जो है उनका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम सा है और ओरिजिन भी लगभग लगभग एक ही जगह से वो ओरिजिन हुए हैं, ठीक है, क्लियर ही बात। तो एक एग्जाम्पल हो गया। इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में बात करें तो थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिटा। बोगनविलिया प्लांट है, कुकरबिटा क्या होता है पता ही आपको, खीरा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स क्या होते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे, कांटे होते हैं ना पेड़ में, तो कांटे, और टेंडल्स मतलब बेल। तो बेल और टेंडल्स, बेल क्यों होती है, बेल की वजह से तो प्लांट जो है क्लेम करके इस तरीके से चढ़ पाता है ऊपर, ठीक है। अरे आपने खीरे का पेड़ देखा है कभी, खीरा जो होता है ना, खीरा हुआ या फिर तरबूज हुआ, ये सब क्या होता है, इनका पेड़ नहीं होता है, इनकी बेल होती हैं, ठीक है। तो ये बेल ही किसी सपोर्ट को लेकर इस तरीके से ऊपर चढ़ पाती हैं। तो वो बेल कब चढ़ पाएगी, सॉरी वो प्लांट कब ग्रो कर पाएगा, जब उसके पास क्या होगा, टेंडिल्स होगा। टेंडिल्स मतलब बेल होगी, तभी तो ऊपर क्लाइंब कर पाएगा, नहीं तो ऊपर पहुंचेगा नहीं, ऊपर पहुंचेगा नहीं तो सनलाइट कैसे मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये चीजें सपोर्ट करती हैं
प्लांट को सरवाइव करने में, ये तो क्लाइम करने में, ऊपर चढ़ने में मदद करता है बेल, और थॉर्न जो होता है कांटे होते हैं उसको सपोर्ट करता है। एक प्लांट है मान लो, अब उसमें कांटे नहीं है तो वो तो बेचारा को लंबा भी नहीं हो तो बेल तो नीचे ही है, उसको कोई भी गाय भैंस कुछ भी आया और उसको खा गया तो उसका तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। लेकिन उनमें क्या होता है कांटे होते हैं तो उसको कोई एनिमल खाएगा नहीं, ठीक है। तो ये नेचुरली गॉड ने उनको क्या दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है कि ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टर रहे, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, इसको बिल्कुल क्लियर रखना आप, ठीक है। अच्छा, ये एक प्लांट में एग्जांपल हो गया। फोर लिम्स, देखो फोर लिम्स, लिम्स का कहीं भी इस्तेमाल हो बायोलॉजी में उसका मतलब होता है हाथ पांव, ठीक है। फोर लिम्स मतलब हमारे जो हाथ पांव है, तो फोर लिम्स ऑफ वेल, वेल के हाथ पांव ले लो, बैट के ले लो या कैट के ले लो या ह्यूमंस के ले लो, शेयर सिमिलरिटी इन देयर पैटर्न ऑफ फोर लिम्स बोन्स, ठीक है। हमारे जो बोन्स है, यहाँ ह्यूमरस है, यहाँ पे कौन सी है रेडियस अल्ना, ठीक है। तो ये जो बोन्स का पैटर्न है साथ में, ये लगभग लगभग वेल में ले लो या बैट में ले लो, क्योंकि सब मैमल्स है ना, तो इन सब में क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर ये बात, इस चीज को याद रखना, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, अगर ऑल द एनिमल्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन देयर फोर लिम्ब बोन्स सच एज ह्यूमरस। देखो जितने भी एनिमल्स हैं, क्या हम एनिमल हैं? बिल्कुल एनिमल ही, और हम सबसे बेहतरीन क्वालिटी के एनिमल्स हैं, क्योंकि हम में क्या है, ब्रेन है, ठीक है। तो एनिमल जितने भी हैं इस दुनिया में, इन ऑल द एनिमल्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन देयर फोर लिम्ब बोन्स सच एज ह्यूमरस। अभी मैंने जो बताया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कभी भी एनाटॉमी, जैसे आप अगर एमबीबीएस वगैरह आगे करेंगे या स्टैंडर्ड इसमें आगे अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो ये अलग ही सब्जेक्ट हो जाते हैं, एनाटॉमी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। एनाटॉमी क्या होता है, कुछ चीजें आप बेसिक समझ लीजिए। देखो एनाटॉमी मतलब क्या होता है, एनाटॉमी मतलब देखो जैसे एक बॉडी है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल हाथ पांव ये कैसे हैं इनकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन, हार्ट लीवर किडनी कहां पे सिचुएटेड है, क्या पोजीशन है उनकी, उनके स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट लीवर किडनी, उनके फंक्शन की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। तो कई बार एमबीबीएस जो होता है ना, जनरल एमबीबीएस, उनको फिजिशियन भी कह देते हैं। कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि आप फिजिशियन को दिखाइए एक बार, मतलब आप डॉक्टर को दिखाइए, जिसने एमबीबीएस किया हुआ है फिजिशियन है। फिजिशियन क्यों है, क्योंकि फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहा है। फिजियोलॉजी क्या होता है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करना। क्लियर है बात। तो एनाटॉमी मतलब हमारे जो अंदरूनी अंग हैं उनकी पढ़ाई करना एनाटॉमी कहलाता है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे, हमारे जो हाथ के फोर लिम्स के, जैसे कि ह्यूमरस, ह्यूमरस यहां पे हड्डी होती है, रेडियस अल्ना इधर है, ठीक है। कार्पल्स, ये कलाई को कार्पल्स कहते हैं, मेटाकार्पल्स ये वाला पार्ट, फैलेंजेस मतलब ये फिंगर्स को फैलेंजेस कहते हैं, फिंगर्स की जो हड्डियां रहती हैं वो, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है लगभग लगभग वो सभी एनिमल्स में, ये जितने भी एनिमल्स ऊपर बताए इनमें क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन है, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो दिमाग में, कभी भी इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। दो द फोर लिम्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखो फोर लिम्स जो है हमारी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर है, जैसे हमारी फोर लिम्स जो है और वेल की फोर लिम्स जो है वो तो सिमिलर है, मतलब हमारे जो अंदरूनी हड्डियां हैं ह्यूमरस अल्ना रेडियस वो वेल में भी ऐसे ही है। लेकिन क्या हमारे हाथ और वेल के हाथ का एक ही फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। हम हाथ, हमारा हाथ क्या किसी चीज को पकड़ने में या कोई काम करने के लिए यूज में आता है, लेकिन जो वेल का हाथ होता है वो एक्चुअल में वो कोई काम करने के लिए, वो बर्गर या पिज्जा खाने के लिए तो यूज करेगी नहीं उसको, तो वो किस लिए यूज करेगी उसको, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए। तो यहां पे स्ट्रक्चर, बनावट तो लगभग सिमिलर सी है, ओरिजिन भी सिमिलर सा ही था, लेकिन फंक्शनली तो डिफरेंट है ना भाई। वो अलग तरीके से उसको फंक्शन करती हैं, अपने बोन्स को, अपने हाथ की हड्डियों को, और हम अलग तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इनका क्या होता है, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। क्लियर ही बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो जैसे मान लो ये हमारा हैंड की बात कर लेते हैं हम, हैंड फोर लिम्स, ठीक है। तो अब हैंड जो है ये एक ही, ठीक है, एक ही टाइप के टिश्यू से बना है, एक ही तरह की कुछ कुछ हड्डियां हैं इसमें, सिमिलरिटी है स्ट्रक्चर में काफी। लेकिन क्या हमारा हाथ, ह्यूमंस का हार्ट, ह्यूमन का हाथ जो होता है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। बैट का जो हार्ट होता है, जो सॉरी हार्ट नहीं हैंड होता है, ह्यूमन का हैंड अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है, बैट का हैंड उड़ने में मदद कर रहा है, व्हेल का जो हाथ है वो स्विम करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शन है ना, ये अलग अलग फंक्शन है। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है।
ठीक है, नहीं सॉरी डायवर्जेंट इवोल्यूशन है। देखो यहां से ये बाहर निकल रहा है, डायवर्ज हो रहा है, तो इस टाइप का इवोल्यूशन जो एक ही जगह से आए हो लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग हो वो कहलाता है डायवर्जेंट इवोल्यूशन। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। होमोलोगस ऑर्गन बिलोंग्स टू डायवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, होमोलोगस इज बेस्ड ऑन डायवर्जेंट इवोल्यूशन, यही बात ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बताई गई है, ठीक है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज, ठीक है, होमोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉमन एंसेस्ट्री बताती है, मतलब होमोलॉजी मतलब कॉमन एंसेस्ट्री कैसे हुआ कि हमारे जो पूर्वज हैं और जो बंदर के पूर्वज हैं या वेल के पूर्वज लगभग लगभग कुछ ना कुछ एक जगह से कहीं ना कहीं से आए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है हम में, तभी तो एक तरीके के हमारा ओरिजिन रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है होमोलॉजी हमेशा कि ये जो जानवर जिनमें होमोलोगस ऑर्गन पाए जा रहे हैं उनके जो पूर्वज हैं कहीं ना कहीं एक ही रहे होंगे, ठीक है, ये इस चीज का एक सबूत है, क्लियर ही बात। तो ये आप ध्यान रखिएगा होमोलोगस ऑर्गन में। अब थोड़ा सा डायवर्जेंट इवोल्यूशन जो यहां पे हमने डिस्कस किया था उसी को देख लेते हैं, क्या है ये डायवर्जेंट इवोल्यूशन। ड्यू टू डिफरेंट नीड्स सम स्ट्रक्चर डेवलप डिफरेंटली, दिस इज कॉल्ड डायवर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, जबकि उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन लगभग लगभग सेम रहा होता है, फिर भी वो अपने नीड या अपने अलग अलग मतलब एडेप्टेशन के हिसाब से अलग अलग फंक्शन करते हैं, उसी को डायवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो दोस्तों इसको फिर से रिपीट कर दूं एक बार, मैं इसको फिर से बता देता हूं मैं, डायवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब एक ही जगह से आए हो, ठीक है, एक ही तरीके का उनका स्ट्रक्चर हो कोई भी ऑर्गन का, एक ही तरीके के टिश्यू से वो बने हो लेकिन नीड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करें। हमारा हाथ कुछ अलग फंक्शन करता है, जो बैट होता है चमगादड़ उसका हाथ उड़ने में मदद करता है, मछली जो मछली नहीं कहूंगा वेल कहूंगा क्योंकि वेल एक मैमल है, मछली फिश है, ठीक है, तो वेल का हाथ जो है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है, वो स्विम करने में मदद करता है, तो जबकि एक ही जगह से आते हैं। तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन होता है उसको डायवर्जेंट इवोल्यूशन के कैटेगरी में वो आता है, जो कि होमोलोगस ऑर्गन्स उसमें आते हैं, ठीक है, या होमोलॉजी उसमें आता है, और होमोलॉजी जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, ये याद रखिए आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स की, ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए दोस्तों तो अब पढ़ते हैं एनालॉगस ऑर्गन के बारे में, अभी हमने होमोलोगस ऑर्गन पढ़े थे, अब एनालॉगस ऑर्गन क्या है इसे देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, एनाटॉमी मतलब अभी बताया था इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, मतलब उनके स्ट्रक्चर वाइज अगर अंदर के जो हार्ट हैं लीवर हैं ये सब जो भी ऑर्गन्स हैं मतलब हमारे वो स्ट्रक्चर वाइज क्या है डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। द ऑर्गन्स विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली, लेकिन फंक्शन उनका सेम है, ठीक है, फंक्शनली सिमिलर आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। द ऑर्गन विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। जैसे कि मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूँ और मैं फिर कहता हूँ कि अगर मार्क्स लाने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी वाले लिखनी है, ठीक है, डेफिनेशन हमेशा एज इट इज यही चिपकानी है एग्जाम में अगर मार्क्स लाने हैं तो, और एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से भी